काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो मिली हुई है। और इस न्यूज़ की अगर ऑथेंटिसिटी की बात करें तो यस, इसकी ऑथेंटिसिटी अबाउट 70% से ज़्यादा है, मतलब कि हाँ बिल्कुल चांसेस हैं जो ये डेट इज़ डिक्लेयर की गई है उसी डेट में एग्ज़ाम होने की। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक फाइनल आपकी डेट डिक्लेयर ना की जाए, लेकिन फिर भी 70% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम 8 जनवरी को हो सकता है। अब अगर इस न्यूज़ की बात करते हैं तो हो सकता है आप लोगों ने देख लिया होगा, या फिर जो आउट ऑफ यूपी रहते हैं शायद उन्हें नहीं मिली होगी अभी न्यूज़। तो देखिए यहाँ पर मेन जो डेट्स डिक्लेयर की गई हैं 8, 11, 19, तो प्रस्ताव इसके लिए किया गया है कि इनमें से किसी एक डेट पे जो है वो एग्ज़ाम रखा जाए। और क्योंकि शासन कहीं ना कहीं डिले नहीं करना चाहता है, क्योंकि पूरी तैयारी हो ही चुकी है यूपी टेट की, और उधर फेब के बाद जो है आपके एग्ज़ाम्स भी होने लगेंगे, यू बोर्ड वगैरह एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सब की व्यवस्था सब कुछ हो चुका है। तो इस वजह से अब जो है कोशिश यही है पूरी शासन की कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कराया जाए। तो जो एक सहमति बन रही है, जैसा कि ये लाइन आप पढ़िए फटाफट से, शासन स्तर पर 8 जनवरी को टीटी कराने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है, ठीक है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी की मंजूरी के बाद नई तारीख घोषित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो एक सहमति बन रही है वो 8 जनवरी को बन रही है, तो बिल्कुल अब आपके पास समय नहीं है। और बात करते हैं आगे की कि इसके बाद क्या चांसेस है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आगे डिले हो। बस कुल मिला के आप समझ लीजिए कि मोहर लगना बाकी है, एक आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, और एग्ज़ाम के डिले होने की या एग्ज़ाम के डेट को लेके, एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके जो भी मीडिया सोर्सेज हमें स्पेशली न्यूज़पेपर से मिलते हैं, हमेशा सब सही नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने ये देखा है कि सही ही रहे हैं। अगर बात करें तो जैसे कि पैटर्न को लेकर बदलाव पहले भी न्यूज़पेपर में बताया गया था, बहुत पहले जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की थी, और आगे चल के फाइनल वही हुआ कि हाँ पैटर्न में बदलाव आंशिक संभव होगा, और डेट को भी लेकर इस तरह से चलता रहा है। तो बिल्कुल ज़्यादा चांसेस हैं आपके, 70% से ज़्यादा चांसेस कि 8 तारीख को आपकी टेट की एग्ज़ाम होगा। प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी हो रखी है, कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है आपको, बस अपनी थोड़ी सी रिवीजन एक चीज़ एक बार कर लेना है हर चीज़ को। आप बताइए कि एग्ज़ाम आप कब चाहते हैं कि कब एग्ज़ाम हो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर 8 को होता है तो आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, और अगर उससे ज़्यादा डिले होता है तो भी 11 या 19 को हार्डली हो ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो फेब का आ रहा था वो नहीं होगा, आपका जनवरी में ही एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा। सो यही बस छोटी सी न्यूज़ थी, छोटी सी अपडेट थी, तो ऑथेंटिक थी मुझे लगी, इस वजह से आपको दिया है। आप अपनी राय जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और क्लास हमारी जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। बाय बाय।